ये दिल का मामला है, जरा संभल जाइए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आपके दिल की, जो इस दौर में शायद समय से पहले थकने लगा है। आपने टीवी, सोशल मीडिया या अपने आस पड़ोस से ऐसी कई खबरें सुनी होगी कि 24 साल के लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हाल ही में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की जिम में हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। और ऐसे कई मामले हैं जहां कभी कोई नाचते नाचते गिर गया और मौत हो गई, तो कोई हनुमान का किरदार निभा रहा था और अचानक जमीन पर गिरा और मौत हो गई। सब कुछ सच है, ऐसा ही हुआ है, लेकिन हुआ क्यों, हमें तलाश है केवल इस जवाब की। तो चलिए ढूंढते हैं। वजह कोई और नहीं, आप खुद है। क्या आपने कभी सोचा है आपका शरीर आपसे क्या मांग रहा है और आप उसे क्या दे रहे हैं? जीवन की इस भाग दौड़ में आपने अपने दिल को बूढ़ा कर लिया है, नतीजा कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी समस्या। अब जब आपने टीवी पर देखा कि लोग नाचते नाचते गिर रहे हैं या जिम करते हुए हार्ट अटैक आ रहा है, तो अब आपको ये डर सताने लगा है कि आप जिम करेंगे तो आपको खतरा है, नाचेंगे तो आपको खतरा है, इसलिए आपने जिम से दूरी बना ली। आलम यह हुआ कि नवंबर से फरवरी के महीने में जहां जिम में सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती थी, आज वहां महज 4 से 5 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। ये जो सडन कार्डियक डेथ के जो इवेंट्स हो रहे हैं, इसको हम लोग कोई एक चीज़ से इसको जोड़ना ठीक नहीं होगा। ये एक साइकिल है जो कि बहुत पहले से शुरू हो जाती है। पहले के समय में जो हार्ट की बीमारी होती थी वो यूजुअली उम्र दराज लोगों में ज़्यादा होती थी, अब जो है वो यंग लोगों में भी ज़्यादा मिलने लग गई है। इसका प्रमुख कारण ये है कि हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाना। अब हम दरअसल हम भारतीय जो हैं वो एक मेहनतवर किसान के हमारा जीन्स में है, वो हम काम करते थे, पर अब हम जो है वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसे कहते हैं कि बैठ करके जीने वाली हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब हम लोगों का खान पान का तरीका बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, क्योंकि पहले हमारे खाने में जो यूजुअल डाइट होती थी वो बहुत बैलेंस्ड होती थी, पर अब जो डाइट हम लोगों की हो रही है उसमें फास्ट फूड, बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके कारण जो है बहुत अनबैलेंस्ड टाइप से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसमें जो न्यूट्रिशन प्रोटीन की मात्रा हमें चाहिए होती है थोड़ी कम होती है, और जबकि जो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट्स होते हैं इनकी मात्रा बहुत हाई होती है। इससे बचाव का तो देखिए सबसे अच्छा एक कारण यही है कि आज के लोगों में दहशत बहुत ज़्यादा है कि हम ये ना करें, हम टहलने जाएं कि ना जाएं, हम डांस करें कि ना करें, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको रोकने के लिए जो है सबसे पहले तो ये है कि आपको, अगर आपकी एज 30 साल से ज़्यादा की है, तो आपको एक बार साल में अपना ब्लड का टेस्ट कराना चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपना शुगर का लेवल टेस्ट करा लीजिए, आप अपना ब्लड प्रेशर का लेवल टेस्ट करा लीजिए, और आप अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल टेस्ट करा लीजिए, लिपिड्स का। हमारे शरीर को जरूरत है कसरत की, योग की, अच्छे से खाने की, लेकिन अफसोस कि हम इन सब से कहीं दूर हो गए हैं। सुबह सुबह उठकर ऑफिस के लिए भागना, पौष्टिक आहार की जगह बर्गर, चौमिन, फास्ट फूड खाना, आखिर ये दल आपकी इन नादानियों को कब तक झेलता रहेगा? आखिरकार वो एक दिन हार ही जाएगा। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने बात की हार्ट स्पेशलिस्ट से, और यकीन मानिए उन्होंने जो कहा वो कहीं ना कहीं हम सब की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है, मतलब खतरा आपको और हमको भी है। आप भी सुनिए मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष सक्सेना का क्या कहना है। अगर आप स्मोक करते हो और आप अल्कोहल यूज करते हैं, तो उसकी एक सीमित मात्रा में इस्तेमाल करिए। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स और जो एनर्जी ड्रिंक्स का आजकल फैशन चला हुआ है वो भी बहुत खराब है, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक्स में कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे जो है कई बार जो है टेकिकार्डिया हो जाता है, हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, लोग इस बात को रियलाइज़ नहीं करते, तो वो कैफीन जो है वो हमारे हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, धड़कन बढ़ा देता है, लोड बढ़ा देता है हमारे बॉडी में, क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, तो इसके लिए हार्ट के ऊपर ये असर डालता है। इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो हम लोगों की एक्सरसाइज है हम उसको बंद ना करें। हार्ट के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज होती है ब्रिस्क वॉकिंग। अगर आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग हफ्ते में 5 दिन करते हैं तो वो बहुत अच्छी है। बाकी आप आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे आपकी मसल बिल्डअप हो, पर बहुत ज़्यादा
हार्ट पे लोड ना पड़े। अगर आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की है और अब आप एक्सरसाइज जिम जाना चाहते हैं या उसको करना चाहते हैं, और आपकी उम्र अगर स्पेशली आपकी 35 साल से ऊपर की उम्र हो, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री हो, आपके मदर फादर में हार्ट की बीमारी की हिस्ट्री हो, तो एक बार अपने चेकअप करा लें, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही जिम या बॉडी बिल्डिंग करना शुरू करें। और फिर अगर जीवन में अगर नाच नहीं है और एक्सरसाइज नहीं है तो फिर क्या है सब इसके, क्योंकि ये स्ट्रेस बस्टर्स हैं हम लोगों की लाइफ में, एक्सरसाइज इज ऑल्सो स्ट्रेस बस्टर। तो स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा कारण है यंगस्टर्स में हार्ट की बीमारी नहीं होने का, क्योंकि बचपन से पढ़ाई का स्ट्रेस, फिर उसके बाद करियर का स्ट्रेस, फिर उसके बाद प्रमोशन का स्ट्रेस। आपकी एक लापरवाही आपको और आपके अपनों को बहुत कुछ झेलने पर मजबूर कर सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने दिल की सुने, अच्छा खाए, सेहतमंद रहे, योग करे ताकि निरोग रहे, क्योंकि ये दिल का मामला है, जरा संभल जाइए। हमारे संवाददाता ने बात की जिम संचालक से और जाना कि आखिर यहाँ का युवा जिम और कसरत को लेकर कितना सचेत है। दिल का मामला है, थोड़ा संभल जाइए। जी हाँ, हम ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आए दिन आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें दिखाया गया है कि सडन डेथ के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, युवाओं में बढ़ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि बैलेंस डाइट की कमी है, साथ ही साथ जो आपकी दिनचर्या है उसकी भी कमी है, और अब इसका असर जिम में भी देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के शिव शक्ति जो जिम है वहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह का वक्त है लेकिन आपको लोग जो हैं वो बेहद कम नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक तरीके से कहा जाना चाहिए कि ये सन्नाटा जो है वो जिम में पसरा हुआ है, और अगर हम सुबह की बात करें तो इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो ये सुबह की तस्वीर है, और अब लोगों में ये एक डर भी सताने लगा है कि जिम की वजह से ही जो कार्डियक अरेस्ट है वो आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जिम के जो मालिक हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, दीपक पाल जी नाम है इनका, हम उनसे बात करते हैं। जी क्या वजह मान रहे हैं, क्योंकि इतनी कम भीड़ है और सर्दी की शुरुआत भी है, तो ऐसे में क्या लोग के जहन में ये डर समा गया है कि जिम करने से ही हार्ट अटैक होता है? हाँ, लोगों के दरअसल है कि कुछ ऐसे भी वीडियोस आए गए कि जो सेलिब्रिटी हैं वो हुआ, लेकिन वो उनका कारण अलग था। अब इस समय ये है कि कुछ जैसे जब से कोरोना के वो हुआ तो लोगों में थोड़ा सा डर कि अंदर हम सफोकेशन में हम करेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। कि मेन होता है कि आप अच्छी जगह पे करिए और जहाँ पे सफोकेशन ना हो, आप ऑक्सीजन पे प्रॉपर आपके माइंड पे जाती रहे। लेकिन यह है कि इस समय बच्चे जो आजकल के हैं जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहीं भी घर पे भी खा लेते हैं, बाहर शादी ब्याह में गए तो वहाँ पे भी सीधे आज मैं देखता हूँ शादी ज़्यादा भीड़ जंक फूड पे ज़्यादा रहती है। तो वो जंक फूड के कारण हमारे बॉडी में कुछ अलग से हार्मोन्स वो रिलीज होते हैं जिसके कारण वो ना तो प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाते हैं बच्चे, उनके में स्टेमिना की कमी है। अगर वो सुबह, इस कारण से हम लोगों के यहाँ भी कमी पड़ रही है कि यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं, हम लोगों का भी बिजनेस डाउन चल रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं पूरा खाली है इस समय जिम, जबकि इस समय का समय जो भीड़ बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छा समय है एक्सरसाइज का। तो क्या कहना क्या चाहते हैं कि एक तरीके से लोग जो हैं ये जो धारणा रखे हैं दिमाग में वो हटाएं और अपने ऊपर अपने पर फोकस करें और अपने हेल्थ के लिए कम से कुछ नहीं तो 40 मिनट जरूर निकालें और जिम में आएं, करें तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में करें, और जो फालतू की चीज़ें हैं खाते हैं वो उस कारण से वो थोड़ा सा होता है। रात में अच्छी नींद लें, अच्छी नींद इसमें नहीं ले पा रहा है इस समय, तो इस कारण जब अगर वो आएगा सुबह उठेगा नहीं तो माइंड फ्रेश नहीं रहता है। तो वो है कि सब कारण जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये पाल साहब थे जो कह रहे थे कि जिम आने से पहले आपको अपनी बैलेंस डाइट का भी ख्याल रखना है, साथ ही साथ जो आपकी दिनचर्या है जंक फूड नहीं लेने हैं, और ये धारणा अपने जहन से हटानी होगी कि जिम करने से या फिर ज़्यादा डांस करने से हार्ट अटैक हो सकता है। हालांकि डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि ये फिज़िकल मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इसका सीधा असर आपकी पूरे बॉडीज में जाता है, तो आपको एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है, ना कि आपको इंजॉय करना या फिर डांस करना। तो अब आपको केयर करने की ज़रूरत है। हालांकि हमने डॉक्टर्स की भी आपको बाइट दिखाई है कि आखिर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से आपको अपनी पूरी जो दिन का शेड्यूल है वो रखना है। तो हम ये फिर से एक बार कह रहे हैं कि दिल का मामला है, थोड़ा संभल जाइए। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, प्रयागराज।